वेलकम बैक टू एडुसेंट चैनल जूनियर्स। तो आज हम इस वीडियो का आप सभी के साथ एसएमएमडब्ल्यूबी का काउंसिल रिलेटेड कुछ बातें शेयर करेंगे और एसएमएमडब्ल्यूबी का जो नया नोटिस आपका अपडेट आया है कल वो उसको लेकर कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी का डाउट हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिस आया है वो क्या है एंड लास्ट ईयर में तो ऐसा नहीं हुआ था, आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, ये सब कुछ लेकर आप सभी का अंदर बहुत सारा डाउट है। तो यही आज हम क्लियर करेंगे आप सभी का। एंड आपका जो नोटिफिकेशन में जितने भी सारा आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सब कुछ डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर एक पेज देख पा रहे हो, ये आपका एसएमएमडब्ल्यूबी का तरफ से पब्लिश किया गया नोटिस है एंड ये आपका कल अपडेट आया था, मतलब आपका 6 अगस्त में अपडेट आया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट नोटिस एंड ये आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड आपका जो है नोटिस है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एडमिशन इन डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज 2022। तो फर्स्ट दो पैरा में आप देख पा रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मोड कैसा होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना होगा, पीडीएफ मोड पर या फिर जेपीजी मोड पर, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो फिर देख लेते। तो फर्स्ट पैरा में आपका लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पर होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फ्रॉम मंडे अगस्त 8 से लेकर 11 AM आपका अगस्त 24 तक आपका होगा। तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है उसके अंदर ही आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब कुछ कर लेना है। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस आता है तो आपको ऑफिशियल साइट पर नोटिस दे दिया जाएगा एंड आपका जो एप्लीकेंट्स लॉगिन सेक्शन है वहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा डीवी स्टेटस बोलकर, वहाँ पर भी आपको जो मैसेज शो करेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। वहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं एंड अगर आपका कोई गलती रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पर तो वहाँ पर भी वो मैसेज शो कर लेगा एंड उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती रहता है तो आपका वहाँ पर मैसेज आ जाएगा एंड उसका मुताबिक आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और ये सब कुछ कर लेना है। एंड इसके बाद आपका आता है सेकंड पैरा। तो एप्लीकेंट्स लॉगिन करने के बाद आपका जो डीवी स्टेटस बोलकर एक सेक्शन रहेगा वहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलता है तो आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट पर वो फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। तो अगर आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलता है तो आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल के अंदर लाना होगा एंड फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट पर अपलोड कर देना है। तो बस इतना ही यहाँ पर जो है आपका गाइडलाइन दिया गया है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी सेक्शन पर अपलोड करना हो सकता है। तो एक नंबर पर आपका आता है एडमिट कार्ड, आपका एज वेरिफिकेशन करने के लिए तो आपको जो है माध्यमिक और हायर सेकेंडरी और 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपको जो है अपलोड करना होगा। देन आपका आता है बी मार्कशीट ऑफ द हायर सेकेंडरी और आपका 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना हो सकता है। देन आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट है उसको जो है आपको कैटेगरी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो अपलोड करना होगा। देन आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। देन आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपको जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर से कोई भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा एंड देन आपको जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है एंड आपको जो है डीवी सेक्शन पर अपलोड करना हो सकता है। तो इसको लेकर अगर आपको कोई भी और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना, मैं उसका रिगार्डिंग और कोई एक वीडियो में बता देंगे। एंड इसके बाद आपका जो डाउट रहता है कि इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग होगा या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे हो कि आपका जो काउंसलिंग इस साल ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी स्टार्ट ऑन एंड फ्रॉम 27 अगस्त, तो आपका जो है 27 अगस्त से ही आपका जो है ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगा एंड कहाँ पर होगा ये भी आप यहाँ पर देख पाओ। तो आपका जो आरजी कॉर्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर आपका जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। तो इसका रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है, काउंसलिंग आपको कैसे करना होता है, ये सब कुछ डिटेल्स में आप सभी के साथ वीडियो में शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए जितना अपडेट आया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर वो सभी डाउट आप सभी के साथ क्लियर कर दिया। तो आपके पास अभी जो अपडेट है कि आपको जो है सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद अगर कोई और अपडेट्स आता है तो वहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस है सब कुछ आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय।